अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम कुकिंग जायका। आज हम पोहे का क्रिस्पी चिड़वे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं, दिवाली पर भी आप इसको घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ये रेसिपी हमने बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है, इसको बनाना बहुत आसान होता है। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसके ऊपर हम टिश्यू को इस तरीके से डाल देंगे ताकि जब हम चुड़वे तलते हैं तो इसके ऊपर डाल देंगे तो जो भी ऑयल होता है तो वो निकल जाएगा। स्टोव के ऊपर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख लिया है। ऑयल को हमें बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद ही चुड़वों को फ्राई करना है। देखिए, एक मैं आपको यहाँ से थोड़े दिखाती हूँ, ऑयल हमारा इतना गर्म यहाँ पर नहीं है। अगर इस तरीके से हम छन्नी रख के चिड़वे को डाल देंगे तो वो पूरी तरीके से फ्राई नहीं होगा। देखिए, ऑयल हमारा इतना गर्म नहीं है, आप इस तरीके से फ्राई करेंगे तो चिड़वे ऐसे हो जाएंगे। तो हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ही इसको फ्राई करना है। देखिए, इस तरीके से ये चिड़वे बन जाएंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। देखिए, अच्छे से फ्राई नहीं हो रहे हैं। देखिए, अब हमारा ऑयल यहाँ पे बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर से मैंने छन्नी को यहाँ पे रख लिया है। थोड़े थोड़े से चिड़वे हम इसमें डालते जाएंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, ऑयल अच्छा गर्म होगा तो चिड़वे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। बस इतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। सारे चिड़वे को आप इसी तरीके से फ्राई कर लें, जितने आपको चाहिए उतने डाल कर आप यहाँ पर फ्राई कर लें। देखिए, सारे चिड़वे को मैंने यहाँ पे फ्राई करके डाल दिया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर को डालूँगी, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर चाट मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है। इन सबको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अगर स्पून से ना मिक्स हो तो आप हाथ की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने से पहले हमें इनको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। 1/2 कप मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है, इसको भी हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इस तरीके का कलर आने तक हमें इसको फ्राई करना है। इसको भी मैंने चुड़वे के ऊपर डाल दिया है। 1/2 कप मैंने यहाँ पे चना लिया है, रोस्टेड चना, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, इस तरीके का कलर होने तक हमें भी इसको अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेना है। ये है सूखा नारियल, 1/2 कप ही मैंने सूखा नारियल भी लिया है, इसको भी हम स्लाइसेस में कट कर लिया था, ये भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा आप ना रखें, ये बहुत जल्द से जल जाते हैं, तो ध्यान से आप इसको फ्राई करें। छोटे से पैन में मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। यहाँ पर मैं थोड़े से कटे हुए बादाम को डालूंगी। मैंने ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया है, बस 1 बादाम में 2 पीसेस कट कर लिया है। थोड़े से बादाम को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। इसमें बादाम काजू का भी बहुत अच्छे से टेस्ट आता है, तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। देखिए, बादाम भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़े से काजू को डालेंगे। काजू बादाम वाला आप स्नैक्स जब बाहर से ख़रीदते हैं तो आपको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। आप इसको आसानी से घर पर ही बनाइएगा, आपके बजट में ही ये बन जाएगा। इसको बनाना आसान भी होता है और बहुत ही टेस्टी भी ये चिड़वे बनते हैं। अब हम यहाँ पर जो भी सारे ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली जो भी हमने फ्राई किया था, सबको हम यहाँ पर डाल देंगे। इसको हमने हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, बादाम और काजू को हम यहाँ पर डाल लेंगे। चिड़वे के स्नैक्स को इस तरीके से बनाकर एक एयर टाइट बॉक्स में भी स्टोर करके रख सकते हैं। आपका मन, जब चाहे आप इसको उठाकर खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। रखिएगा अपना ख्याल। फिर मिलेंगे हम न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।